हेलो फ्रेंड्स, फ्री टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M20 ऑटोमेटिकली डाउनलोड सॉफ्टवेयर कैसा करते हैं और शेड्यूल सॉफ्टवेयर अपडेट कैसा करते हैं हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। अभी तक आपने फ्री टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बॉक्स आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसी के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन सॉफ्टवेयर अपडेट, उसको प्रेस करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट पर, सॉफ्टवेयर अपडेट प्रेस करने के बाद आपको मिलेगा डाउनलोड अपडेट्स ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर नीचे हिस्से में देख सकते हैं आप शेड्यूल सॉफ्टवेयर अपडेट्स। यहाँ पर आप इसको अनेबल कर दिए तो आपको ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। और निचले कैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल, यहाँ पर यानी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं 2 o'clock टाइम सेट किया हूँ, इसी दरमियान आपका सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाएगा। और या 3 o'clock का मैंने सेट किया हूँ, उसी टाइम पर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा दोस्तों। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये सैमसंग गैलेक्सी M20 में बहुत ही बढ़िया फीचर कहा जाता है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।